आज हम बनाएंगे भंडारे वाले कद्दू की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे हरा कद्दू लिया हुआ है, इसको हम काट लेंगे। और इसका ये ऊपर का छिक्कल है, हमें हटाना नहीं है, छिक्कल के साथ ही काटना है। तो चलिए हम इसको मीडियम पीसेस में कट कर लेते हैं। कद्दू को हमने काट लिया है और इसका छिलका नहीं उतारा है, छिलका सहित रखना है इसको। आप चाहे तो लाल वाला कद्दू भी ले सकते हैं, अगर आपको हरा कद्दू ना मिले तो। तो आज हम कद्दू की सब्जी चूल्हे पे बनाएंगे, एकदम गांव के स्टाइल में। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाए भंडारे वाली, तो सरसों का तेल का यूज करें, क्योंकि इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी के दाने और 2 पिंच हींग। हींग और मेथी अच्छे से भुंज गई है, अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल के इसको चलाएंगे और इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे। हरी मिर्ची और अदरक हमारा भुंज गया है, अब हम इसमें डालेंगे कद्दू। कद्दू भी हमने डाल दिया है, अब इसको हम चला देंगे अच्छे से, ताकि मिर्ची और अदरक अच्छे से मिक्स हो जाए कद्दू में। कद्दू को हमने अच्छे से चला लिया है, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा कद्दू अच्छे से गल जाए, और इसको चला देंगे। अब हम इसको कद्दू को प्लेट से ढक देंगे कद्दू को गलने तक। बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे, ताकि कद्दू हमारा अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं कद्दू हमारा गल गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और खटाई डालेंगे, ये कच्चा आम है, इससे टेस्ट काफी अच्छा आएगा, और गुड़ से भी टेस्ट काफी अच्छा आएगा, एकदम खट्टा मीठा। तो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे, गुड़ और खटाई को अच्छे से मिक्स कर देंगे कद्दू में। अब हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए कद्दू की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। इस कद्दू की सब्जी को आप पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।